देखिए मार्केट में रोज नया चीज सीखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी मार्केट हमें रोज नई चीज सिखाता रहता है। बहुत नई नई चीजें आ रही है, उसी का एक इंडिकेटर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है चॉपिनेस इंडेक्स। तो चॉपिनेस इंडेक्स, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये नॉन डायरेक्शनल इंडेक्स है, ठीक है। तो एक चीज खाली सिंपल समझना, आपको जब भी ट्रेड सेटअप लेना, अगर ये इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो ही आपको पोजिशन बनानी है। अब टाइटन का मैंने डेली चार्ट लिया, पहले मैं डेली पे दिखाता हूँ, फिर आपको अवरली पे, फिर 15 मिनट पे, जो आप टाइम फ्रेम। अगर हमें इसी के अंदर डायरेक्शन भी देखनी होगी कि किस डायरेक्शन में आने लगा, तो फिर उसके लिए क्या यूज करते हो? सर देखो, डायरेक्शन के लिए सब्जेक्टिव है। अब मेरे से बात करोगे, मैं बोलूंगा सर मैं MACD भी यूज करता हूँ, वोर्टेक्स भी यूज करता हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने नाम सुना हुआ था, बट आई थिंक इट्स गुड कि मैंने इसको थोड़ा सा लर्न करके देखा है अभी यहाँ। नहीं, आप करके देखिए, बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये और रियली काम करेगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी हैव विद अस मिस्टर अजय सुरेश केडिया, जिनके साथ हम लोग आज एक नई स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो, ट्रेडर स्टॉक का हमारा एक ही पर्पस रहता है कि हमें अपने व्यूअर्स के साथ कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करनी है जिसको वो एटलीस्ट मार्केट में जाके 3 साल के बाद भी अप्लाई करेंगे तो उनको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। द आइडिया शुड बी फंडामेंटल इनफ फॉर द मार्केट कि वो अगले कुछ सालों में चेंज नहीं होगा। विद दैट थिंग इन माइंड, मैंने अजय जी को इनवाइट किया था फ्रॉम केडिया एडवाइजरी एंड ही अग्रीड टू शेयर विद अस हिज चॉपिनेस इंडेक्स, जिसको वो कमोडिटीज के ऊपर भी यूज करते हैं और इक्विटीज के ऊपर भी यूज करते हैं। सो वेलकम सर, वेलकम टू द ट्रेडर स्टॉक। आज आपके पास है, हमने क्या सीखना है, सो इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रोहित जी। एंड डेफिनेटली देखिए, मार्केट में रोज नया चीज सीखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी मार्केट हमें रोज नई चीज सिखाता रहता है। हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई ट्रिगर्स आता रहता है, फंडामेंटल तो है ही, बट टेक्निकल में फ्रेंकली अगर मैं देखूं कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले इतनी ज्यादा डायनामिक्स चीजें नहीं हुआ करती थी, बट फ्रेंकली मैं जब से देख रहा हूं बहुत नई नई चीजें आ रही है, उसी का एक इंडिकेटर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका नाम है चॉपिनेस इंडेक्स। तो मुझे लगता है कि काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, सर मैंने कोई स्टॉक ले लिया है या कमोडिटी ले ली है मैंने, सर मेरे लेते ही मार्केट से मोमेंटम गायब हो जाता है और जैसे ही मैं बेच के निकलूंगा इमीडिएटली मार्केट में कुछ बड़ा हलचल आ जाता है। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अब आप चिंता मत कीजिए, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं आज आपको जो इंडिकेटर बताने वाला हूं ये आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा, ये आपको ये नहीं बताएगा कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली है, या गोल्ड नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। खाली ये बताता है, जैसे हिंदी पिक्चर का डायलॉग हम देखते हैं रोहित जी, कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दीजिए, तो वैसे ही ये इंडिकेटर है। ये आपको प्रॉपर एंट्री, चाहे आप डे ट्रेडर हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, तो जब हम लाइव स्क्रीन पे हम देखेंगे तो हम जो आपको स्टॉक की इच्छा हो, जो कमोडिटी की इच्छा हो आप मेरे को बताना, जो टाइम फ्रेम की इच्छा है वो बताना, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि मार्केट में कुछ भी अच्छा। इवन कमोडिटीज के अंदर तो मैंने ऐसे ऐसे ये इंडिकेटर पे ऐसे ऐसी न्यूज ब्रेक की है जहां पे मेरा इंडिकेटर बताता है ये कि कुछ बड़ा होने वाला है, और पता चलता है 2 दिन के बाद, लेट से कि इजराइल हमास के बीच में तनाव बढ़ गया और कच्चे तेल में अचानक से बड़ी तेजी। तो अचानक वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, मेरे चार्ट्स के ऊपर अचानक दिख जाता है कि अचानक कुछ होने वाला है, और उसके बेस पे चाहे आप ऑप्शन में काम कर रहे हो तब भी ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, फ्यूचर पे कर रहे हो तब भी आपको हेल्प करेगा, कैश में तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। तो स्टार्ट करते हैं रोहित जी। ठीक है सर, मेरे को जहां पे कुछ क्वेरी होगी मैं आपसे पूछूंगा जरूर, मेरे लिए भी एक लर्निंग का मौका है ये। तो चलिए सर, तो लेट्स स्टार्ट विद चॉपिनेस इंडेक्स। मैं मोस्ट प्रॉब्ली ये मान के चलता हूं कि ये ऐसे इंडिकेटर है जो मैंने ऑलमोस्ट लॉकडाउन से पहले हमने एनालाइज स्टार्ट किया था कि लेट्स हैव अ बैंक ऑफ सर्टेन इंडेक्स, जो मैं आगे भी आपके इस सेशन में बताते जाऊंगा। तो चॉपिनेस इंडेक्स, जैसे मैं बता रहा हूं, ये नॉन डायरेक्शनल इंडेक्स है, ये आपको कोई डायरेक्शन नहीं देने वाला। ऐसे इंडेक्स का क्या काम है? ऐसे इंडेक्स का ही काम है क्योंकि ये आपको मदद करेगा कब आपको एंट्री करनी है और कब आपको एग्जिट करना है और इसका ट्रेंड कैसे समझना है। और ब्यूटीफुल चीज इस चीज ये इंडिकेटर ये भी है, अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं तो ऑप्शन में हम देखते हैं कि सर मैंने ऑप्शन का प्रीमियम बाय किया लेकिन मार्केट मूव हुआ नहीं और मेरा प्रीमियम इरोड हो गया। जैसे आज का उदाहरण बताता हूं, आज अगर हम देखते हैं तो निफ्टी एक सीमित दायरे में मॉर्निंग में धीरे 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 ऊपर जाना था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि एक स्पाइक आता है नीचे की तरफ और फिर वापस। तो ये स्पाइक हम देख सकते थे, बिल्कुल देख सकते थे, कैसे करना चाहिए था वो आज हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चॉपिनेस इंडेक्स।
तो सबसे पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ। मेरा नाम अजय केडिया, मेरी कंपनी का नाम केडिया एडवाइजरी, वी आर सेबी रजिस्टर्ड। और मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल यही रहता है कि हम लर्न करें, जितना ज्यादा आप लर्न करोगे उतना आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके जो डिसीजन लेने के लिए जो टूल्स है वो आपको और मदद करेंगे। जो आज का जो प्रेजेंटेशन ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हमने आज कोई भी जो भी कमोडिटी या स्टॉक की जो बात करें ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट हम समझना चाहते हैं कि मार्केट में ऐसे क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम हमारे जो भी ट्रेड्स है उसको और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ट्रैकिंग वॉलेटिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल आपको ये नहीं पता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कब आने वाला है या वॉलेटिलिटी आकर चले गया है क्या। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि मारुति का एग्जाम्पल है, मैं दो दिन पहले ही, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा देखो जो मैं बोलता हूँ वैसा ही होता है, बट फ्रेंकली मैं आपको दिखाता हूँ, दो दिन पहले उसके इंडिकेटर के लाइव में भी देखेंगे हम लोग, मारुति में एक शांति से एक राउंडिंग बॉटम बना हुआ था, बट हमें ये नहीं पता चल रहा था कि नेकलाइन ब्रिज करेगा नहीं करेगा क्या होगा। बट दो दिन पहले ही हमने देखा कि चौपिनेस इंडेक्स ने एक अलर्ट दिया था कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है मुझे नहीं पता था कि हाइब्रिड कार के टैक्सेशन पे कुछ बेनिफिट पास हो सकता है क्या, ये सब आइडिया नहीं था, बट हमको ये आइडिया था कुछ बड़ा होने वाला है। तो हमने अकॉर्डिंगली ऐसी पोजीशन बना रखी चाहे ऑप्शन में चाहे फ्यूचर में, तो जैसे ही मार्केट में कुछ न्यूज ब्रेक हुआ इमीडिएटली उसका बेनिफिट हमको मिल जाता है। सो आज हम देखेंगे टेक्निकली वॉलेटिलिटी को कैसे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ज्यादा करके जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के समय हम क्या करते हैं, भार के सिग्नल्स को भी देखते हैं और इंटरनल सिग्नल्स को भी देखते हैं। भार के सिग्नल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल साइंस में लिखा हुआ है कि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो तुरंत हम क्या करते हैं, तुरंत हम हमारी स्पीड को कम करते हैं। बट स्पीड कितनी कम होनी चाहिए वो कैसे पता चलेगा, वो टेक्निकल इंडिकेटर से पता चलता है कि यस मेरी स्पीड अब 10 पे है या 20 पे। यहाँ पे आप देख सकते हो एक है मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30, अब वो आपने कम तो कर दिया बट जब तक आप टेक्निकल चार्ट पे नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरी स्पीड 30 है या उससे ज्यादा है। तो सिमिलरली आज हम फंडामेंटल तो जैसे सुनते रहते हैं देखते भी रहते हैं चैनल पे, लेकिन आज टेक्निकल पे हम देखेंगे कि हमारे जो चार्ट है या जो मोमेंट है उसकी स्पीड क्या है और स्पीड कब बढ़ने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं चौपिनेस इंडेक्स। तो पहले आप समझिए कि चौपिनेस इंडेक्स जो है ये एक नॉन डायरेक्शनल इंडिकेटर है। ये आपको बताएगा खाली एक ही चीज कि मार्केट का ट्रेंड साइडवे है या मार्केट में कुछ बड़ा ट्रेंड बना हुआ है, मतलब तेजी आ रही है मंदी आ रही है, या इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं हम लोग जब मार्केट साइडवे होता है तो कैंडल जो आप देखते ही हो तो कैंडल की साइज काफी छोटी 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 रहती है, और जैसे ही हम ये मार्केट में देखते हैं कि ट्रेंड आ गया तो आप देखेंगे कैंडल की साइज बढ़ी गया। बहुत बार देखोगे मार्केट एक रेंज में चल रहा है अचानक से ऊपर जाके अचानक से नीचे आने चालू हो गया, तो ये जो चीजें होती है ये हम कैप्चर कर सकते हैं चौपिनेस इंडेक्स से। अब हम देखते हैं कि ये एक तरह का रेंज बाउंड ऑसिलेटर है जहां पे इसकी वैल्यू आरएसआई की जैसे ही मूव करता है, जैसे आरएसआई हम समझते हैं कि 0 से 100 के बीच में मूव करता है, तो वैसे ही चौपिनेस इंडेक्स 0 से 100 के बीच में मूव करता है। लेकिन प्लीज बार बार में मैं इस पर फोकस कर रहा हूं कि चौपिनेस इंडेक्स इज नॉट मेंट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन, ये आपको कोई डायरेक्शन नहीं देने वाला, मैं अगेन बता रहा हूं। बहुत जन इस पर कंफ्यूज कर लेते हैं, अरे देखिए चौपिनेस इंडेक्स ऊपर जा रहा है मार्केट भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको कोई डायरेक्शन नहीं देता, ये खाली बताता है कब आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए जब भी इस इंडेक्स की वैल्यू क्लोजर टू 100 होती है तो हम बोलते हैं मार्केट इज हाईली चौपी, मतलब मार्केट काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जैसे आरएसआई हम बोलते हैं ना, अरे आरएसआई 60 हो गई, 70 हो गई, 80 हो गई, तो ज्यादा करके हम देखते हैं आरएसआई जब बढ़ती है तो हम बोलते हैं मार्केट ओवरबॉट में आ चुका है अभी रुक जाइए, लेकिन चौपिनेस इंडेक्स जब वैल्यू बढ़ता है तो हमें पता चलता है मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है। तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ये बुक्स लिखती है। मैं बोलता हूं जब चौपिनेस इंडेक्स टॉप पे आ जाए तब लीजिए, क्यों, जब मार्केट रेंज में है उसके बाद जब रेंज ब्रेक करेगा तो क्या होगा, तब आप सबसे पहले पोजीशन बना के बैठोगे। इसके लिए चौपिनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, को रीडिंग बिटवीन द लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जनरली हम देखते हैं चौपिनेस इंडेक्स 0 से 100 के बीच में चलता है, और ये इंडेक्स अगर 100 के करीब है, 100 के करीब मतलब ऐसा नहीं कि मैं 99-98 की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70 ये रेंज में भी आता है तो आप मान के चलो मार्केट में एक सीमित दायरा रहेगा, मार्केट में कोई बड़ा इवेंट भी आ जाए कुछ भी आ जाए मार्केट दायरे में ही चलेगा। लेकिन
ये इंडेक्स अगर जीरो के करीब है, जीरो के करीब मतलब मैं ये नहीं बोलता दो चार तीन चार ऐसे आ रही है, अगर ये 40 के नीचे भी आ जाता है, 40 35 30 32, तो आप मान के चलो मार्केट में बड़ा मूवमेंट रहेगा। तो खाली आपको ये देखना है कि इंडिकेटर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है मतलब 60 50 40 30 ऐसे अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आपको पोजिशन बनानी है और आप जो पोजिशन बनाओगे उसमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत आपने कोई भी कमोडिटी या कोई भी स्टॉक को बाय कर लिया और ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, आप कितनी भी ताकत लगा लो आपका टारगेट 200% अचीव नहीं होगा। बहुत बार होता है ना कि हमने मैं आगे बताता हूं कैसे मूव करता है, तो इसके लिए हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड की है कि उसको कैसे मूव किया जाए। तो उसके लिए हमने जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखते हैं तो उसके अंदर एक वैल्यू होता है 61.8 और दूसरा वैल्यू होता है 38.2, तो यही हमारे ट्रिगर्स है। जैसे ये चौपिनेस इंडेक्स 61-80 के ऊपर, लेट से 61 के ऊपर जाता है, तो आप मान के चलो मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आएगा, रेंज बाउंड रहेगा। आपने अगर कोई पोजीशन बना के भी रखा है ना, उसका टारगेट ही अचीव नहीं होने वाला, आपको बीच में ही बुक करना पड़ जाएगा। ऑप्शन अगर बाय कर रखा है तो उसकी जो वैल्यू है वो इरोड हो जाएगी, जिसको टाइम डिके बोलते हो, टाइम डिके यही होता है। सिमिलरली अगर ये इंडेक्स 40 के नीचे है, अगर आपने ऑप्शन बाय करोगे तो उस पर पैसा भी मिलेगा, फ्यूचर बाय किया है तो उस पर टारगेट भी मिलेगा। अब इसके विपरीत है, अगर सपोज आपको ऑप्शन राइटिंग करना है तो आपके लिए क्या अच्छा चीज है, आपको ये देखना है कि ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ जाता रहे। जब ये इंडिकेटर ऊपर की तरफ जाता रहेगा तो आपको टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा। तो ऑप्शन ट्रेडर हो चाहे फ्यूचर ट्रेडर हो, दोनों इस चीज का यूज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मिस्टर एक्स है, ये नदी में नाव चला रहे हैं और नदी का बहाव जो है, नदी का बहाव भी नदी का बहाव भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट है और बोट का भी बहाव लेफ्ट टू राइट है, तो इनको मेहनत कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नदी के बहाव के साथ आप चल रहे हो। बट इसके विपरीत नदी का बहाव भी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट है, लेकिन इनकी बोट जो चल रही है वो उल्टी दिशा में चल रही है, उससे क्या होगा, इनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी आप ट्रेड लेते हो तो आपको ये समझना है आप अपस्ट्रीम में नहीं रहो, मतलब जैसे सीढ़ियों के ऊपर चलेंगे हमको हमको तकलीफ होती है, लेकिन जब सीढ़ी उतरते हैं तो ग्रेविटी का बेनिफिट लेते हैं हम लोग। तो सिमिलरली जब भी आप ग्रेविटी का बेनिफिट लोगे तब आप देखोगे कि आपका रिजल्ट और अच्छा आएगा। तो ट्रेड कब लेना है, जब मार्केट में मूवमेंट हो। उदाहरण के तौर पे चौपिनेस इंडेक्स कैसा दिखता है, तो चौपिनेस आरएसआई जैसा दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू जीरो के करीब है और ये वैल्यू हम देखते हैं 100 के करीब जाती है। तो यहाँ पे मैंने लगा रखा खाली 25 से 75, क्योंकि इसके बियॉन्ड जाती भी नहीं है बहुत बार। अब आप देखेंगे हम जब भी ऊपर के जोन में रहेंगे तो हम बोलेंगे लो वोल्टिटी जोन, और जब भी हम 40 के नीचे है तो हम बोलेंगे हाई वोल्टिटी जोन। जैसे ये इंडिकेटर नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं चार्ट पे आपको लाइव दिखाऊंगा, आप देखोगे मार्केट में मोमेंटम रहेगा। जैसे ये ऊपर जाना चालू होगा आप देखेंगे कैंडल का साइज बहुत छोटे छोटे हो गए, फिर अचानक से कैंडल बढ़ेगा, फिर अचानक कैंडल छोटे हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये वापस नीचे चालू होगा और ये रेंज में आ गया, आप देखोगे मार्केट का ट्रेंड क्लियर रहेगा। निफ्टी भी देखेंगे तो 100-200 पॉइंट ऊपर जा रही है, गोल्ड में भी मूवमेंट सब है। लेकिन जैसे ये इंडेक्स ऊपर आना चालू हो जाएगा आप देखोगे मार्केट की कैंडलस्टिक छोटी हो जाएगी, और खास करके ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको दुखी कर देगा। आप मतलब कोई भी पोजीशन बना लो कुछ भी नहीं होने वाला। तो जो राइटर होते हैं उनके लिए ये पोजीशन सबसे अच्छी है, क्योंकि मार्केट दायरे में है। जब मार्केट दायरे में है तो उनको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, और जब मार्केट में मोमेंटम है, तो जो भी ट्रेडर्स हैं वो मेक श्योर करते हैं कि हमारा मोमेंटम इधर दिखे। उससे होगा क्या, उससे डेफिनेटली उनकी पोजीशनिंग वो टाइम टू टाइम बना सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज खाली सिंपल समझना, आपको जब भी ट्रेड सेटअप लेना, अगर ये इंडेक्स नीचे की तरफ जा रहा है तो ही आपको पोजीशन बनानी है, ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है या पोजीशन बनाने के लिए वेट करना है। तो मैं डायरेक्टली चार्ट पे आता हूं ताकि आपका ओवरऑल व्यू मिल जाए कि चार्ट पे कैसे दिखते हैं। तो इसके लिए आज हम ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे।
मैं ऑलरेडी बना के रखा हूं, इसके लिए मैं इसको हाइड कर देता हूं। और ये प्लेन चार्ट है, ये मैंने कैंडलस्टिक का चार्ट लिया हुआ है गोल्ड का, लेट से मैंने डेली का चार्ट ले लिया और चार्ट को मैंने साइज टू फिट कर दिया। देखिए सिंपल चार्ट है, उसमें कोई ओके इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में जाकर चॉपीनेस डालना है आपको। जैसे आप चॉपीनेस डालेंगे तो आपको ये इंडिकेटर लग जाएगा। मैं ऑलरेडी सेट कर रखा हूं, इसके लिए मैंने आपको खाली यहां पे ये दिखा रहा हूं, ये ऐसा है। अब मैंने सेटिंग्स की अगर बात करूं तो सेटिंग में मैंने ग्रीन कलर इसलिए दे रखा है कि मुझे मालूम है कि मेरे को हरा सिग्नल दे रहा है क्या तेजी के लिए, तो मैं कोई भी कलर ले लीजिए। सेटिंग के अंदर मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पे अपर बैंड 61.8 का फिबो रिट्रेसमेंट लगा रखा है, लोअर बैंड 38.2 का लगा रखा है और मिडिल बैंड मेरे को समझने के लिए कि मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है नहीं जा रहा है वो देखनी है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं रखा। इनपुट में आप देखोगे तो 14 डेज का जैसे RSI 14 दिन की देखते हैं हम लोग, वैसे लगा रखा है और कोई चेंजेस इसमें करना नहीं है। और अब इस इंडिकेटर को समझाने के हिसाब से मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं मार्केट का सिनेरियो, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लिया। अब आप देखिए यहां पे मैंने वर्टिकल लाइन पहले बना देता हूं, तो आपको चॉपिनेस इंडेक्स यहां से ऊपर जाना चालू हो गया था, ठीक है। ये डेली चार्ट है और आप ये देखोगे कि ये इंडेक्स जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, आप कैंडल के साइज देखो, एक सीमित दायरे में है ना। सोना इस लाइन के ऊपर जा रहा है 73 के ऊपर, ना सोना नीचे 71 के नीचे जा रहा है, एक दायरे में अटक गया, बराबर है। अब जैसे यहां पे आप देख लीजिए, ये इंडेक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, यहां पे आप कैंडलस्टिक देखिए बहुत छोटे, जैसे इसमें कुछ अपडेट आया, ये देखो 50 के ऊपर जा रहा है, पॉसिबल है नीचे, हम यहां पे देख रहे हैं लोअर लो बना रहा है, सॉरी लोअर हाई पैटर्न बना रहा है। तो यहां पे जैसे टूटना चालू हुआ, कोई डेटा पॉइंट था, इमीडिएटली छोटा मूवमेंट बना मार्केट में, छोटा क्या बड़ा ही मूवमेंट बना और हमने देखा प्राइजेस 62400 से चला और सीधा 65 मार दिया। अब आप मेरे को बताओ कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सबसे ज्यादा हाई बीटा है, आप बताओ, मैं उसके ऊपर आपको लाइव बताता हूं। टाइटन को चेक करते हैं एक बारी, तो टाइटन कौन सा टाइटन को चेक करते हैं। टाइटन ले रहा हूं मैं, तो टाइटन का मैंने ये रेगुलर चार्ट ले लिया। फ्यूचर इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत बार क्या होता है मंथ रोल ओवर में आता है तो दिखा, तो मैंने ये ले लिया। अब टाइटन का मैंने डेली चार्ट लिया, पहले मैं डेली पे दिखाता हूं फिर आपको अवर्ली पे, फिर 15 मिनट पे, जो आप टाइम फ्रेम बोलो। यहां पे आप देखो ये यहां से ये ऊपर गया, एक सेकेंड, 24 जून से ये यहां से ऊपर तक गया, ठीक है। अब ये पीरियड में अगर मैं यहां पे जाता हूं तो ये कैंडल आ गया, ठीक है। अब जैसे ये इंडिया देखिए अपना वैल्यू है 50 का ही, मतलब सॉरी माफ कीजिए, ये रहा अपना वैल्यू है 61 का, लेकिन आप ही देखो थोड़ा भी अगर डाउन साइड दिख रहा है, अभी यहां पे ट्रेंड क्या दिखा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो आप टेक्निकल यूज करते हैं वैसा ही है ये भी, बट आपको टाइम टू टाइम बताते जाए। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन दिखा रहा है कि यहां से वापस नीचे आने वाला है, आप देखिए आप खाली इसके नीचे 3360 के नीचे आप ट्रेंड मत देखिए, आप देखिए मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है, ये आ गया मूवमेंट, 200 पॉइंट की गिरावट आ गई। लेकिन यही पीरियड में आपने अगर पोजिशन सेल कर भी दिया, अरे सर यहां से ये टूट गया मैंने तो बेच दिया, आप बेच के बैठे हो, हफ्ता हो गया 10 दिन हो गया मार्केट में मूवमेंट ही नहीं, और एक बार मूवमेंट आया नीचे आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहां से तेजी दिख रही, अरे सब तेजी दिख रही मैं बाय कर लेता हूं, कुछ ही नहीं होने वाला। अब जैसे ये ऊपर जाता रहेगा ना, आपकी जो तेजी है ये खा जाएगा, ये रेंज बाउंड हो जाएगा। सिमिलरली थोड़ा और पीछे चलते हैं, अब जैसे ये रैली आई बड़ी, तो ये रैली कैसे मिली हमको, तो रैली कैसे मिलेगी आप यहां पे देखिए, मार्केट नीचे से ऊपर आना चालू हुआ, जैसे यहां पे हमने देखा ये मार्केट, वैसे भी टाइटन का देखो स्टॉक वाइज भी आपको, चलिए ये बहुत अच्छा दिख रहा है, यहां पे 7 दिसंबर से ये कंटिन्यू ऊपर तक गया। अब मैं देखिए 7 दिसंबर से देखता हूं, मार्केट ने पहले एक अच्छी खासी रैली दी, अब रैली जैसी दी उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पीरियड कंसोलिडेशन में आ गया।
अब जैसे ही ये वापस नीचे आना चालू हुआ, हमने देखा मार्केट अच्छा खासा बाउंस देखा, लेकिन फिर अचानक से ऊपर आके वापस रुक गया। सिंपल है इसमें, जैसे अभी हम निफ्टी की बात, सबसे ज्यादा जो बैंक निफ्टी चलता है, अब कर लो आप जितना भी आपकी इच्छा हो ना, ये कब से 25 जून से ये इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। अब क्या हुआ 25 जून से, ये वैल्यू है यहां पे, ये रही 51 के ऊपर गया, बट क्या हुआ उसके बाद से? अब आपको प्रैक्टिकली लगता है क्या निफ्टी में ऐसा टाइट मूवमेंट होना चाहिए? आई थिंक कहीं ना कहीं पे जो ट्रेंड था वो नहीं आया, तो दैट मींस अभी भी मूवमेंट आ सकती है, या फिर ये यहां से सरेंडर कर सकता है, बिकॉज साइडवेज है, इट्स साइडवेज, अगर ऊपर जा रहा है तो साइडवेज हुआ। मैं उसके ऊपर दूसरा भी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी यहां से ये इंडेक्स नीचे आ गया, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में हम जल्दी कह, अब यहाँ पे क्या था, जैसे ये ऊपर था मार्केट रेंज बाउंड था, और जैसे ये नीचे आना चालू हुआ तुरंत हमको एक जंप मिल गया। अब इसको आवर्ली पे देखो तो और ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा ये। यहाँ पे हमने देखा कि 60 के ऊपर आ गया, चौपी चल रहा है। अब जैसे ये नीचे आना चालू हुआ, ठीक है, पार्टिसिपेशन नहीं होगा भले ही, लेकिन अचानक से जो भी अपन ने इधर हाई देखा, हाई कितना देखा अपन ने, 51,200 का हाई देखा, और भाव था 49,950 का भाव था। लेकिन जैसे ये टिक, अब ये यहाँ पे जब तक टिका हुआ ये रेंज में, तब तक क्या हुआ, मार्केट चलते गया। अब जैसे ही ये 40 के ऊपर निकला, मार्केट वापस देखिए रेंज में आ गया, थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट अल्टीमेटली ये रेंज में अटक गया। फिर जैसे ये इंडिकेटर नीचे आना चालू हुआ, अगेन इसको एक ट्रिगर लगा और ये ऊपर आ गया यहां तक। जैसे ये वापस ऊपर गया तो हम देख रहे हैं मार्केट रेंज में आ गया। सिमिलरली रिलायंस, अभी जो रिलायंस में बड़ा जंप आया था, मार्केट यहां से ऊपर गया, रेंज बाउंड साइडवेज हो गया, फॉल आया, जब अब जैसे इसने 40 के ऊपर आना चालू हुआ साइडवे हो गया, जैसे ये नीचे आना चालू हुआ बेसिकली डायरेक्शन नहीं था, साइडवे था, लेकिन जैसे नीचे आता मतलब बिल्कुल डायरेक्शन नहीं बताएगा ये, आपको खाली ट्रेंड बताएगा। मारुति है, जो मैं मारुति की बात कर रहा था आपको, यहां पे मार्केट रेंज बाउंड था। और जब भी मैं क्लाइंट को क्या सजेस्ट करता हूं, जब भी ये 60-61 पे आ जाए तो आप तैयार हो जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। अब ज्यादा करके लोग क्लाइंट क्या करते हैं, सर ये 12,000 का भाव चल रहा है, क्या करूं मैं, लोग कुछ दिमाग मत लगा, कॉल पुट दोनों ले ले। आज अगर आपने 12,000 में कॉल पुट, सपोज एग्जाम्पल जो भी फ्यूचर अगर ऑप्शन अवेलेबल है दोनों ले लिया, आइदर मार्केट नीचे जा गया कुछ तो होगा। अब 12,000 का 13,000 होता बड़ा चीज है। चलो दूसरा देता हूं ऑप्शन के अंदर, कॉल बैक स्प्रेड। अगर आपको लगता है कि अरे इस बार अगर ये 12,200 तोड़ेगा तो ही तेजी करेगा, मैं क्या करूंगा, 12,000 का एक कॉल बेच दूंगा, 12,200 के दो कॉल लेके बैठ जाऊंगा। तो 12,000 का कॉल बेचने पे मेरे को ₹70 मिला मेरे को, लेकिन समझो कि मेरे को 40-40 करके दिया, तब भी 5 रुपए के अंदर पोजिशन खड़ा हो गया। अब अगर ये 12,200 के ऊपर गया, ऐसे ही पैसा। Yes. अब ये चीज को मैंने कैसे पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल आप वीकली पे चले जाओ, क्या दिखा रहा है, पहले भी हमने देखा वीकली में जब ये नीचे आना चालू हुआ तो इनिशियली तो ये नीचे गया, बट उसके बाद ये रैली कर गया पूरा। बट सर एक बात बताओ, क्या कर रहा है ये वीकली पे, कुछ बड़ा धमाका? एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, हमें ये तो पता चल जाएगा कि डायरेक्शन में ट्रेंड आने लगा है, ठीक है। अब जैसे ये निफ्टी का केस ही ले लो यहाँ पे, ठीक है, जब इसके ऊपर पता चल गया हमें ट्रेंड आने वाला है, तो वो एक तरीके से अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ रहा था नीचे की तरफ को, ठीक है। तो
अगर हमें इसी के अंदर डायरेक्शन भी देखनी होगी कि किस डायरेक्शन में आने लगा, तो फिर उसके लिए क्या यूज करते हो आप? सर देखो, डायरेक्शन के लिए सब्जेक्टिव है। आप मेरे से बात करोगे, मैं बोलूंगा सर मैं मैकडी भी यूज करता हूँ, वॉर्टेक्स भी यूज करता हूँ, तो डिपेंड, आप कोई भी यूज करो। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्शन देखना है, लेट से मैंने मैकडी लगा दी। अब मैकडी में और इसके कॉम्बिनेशन कैसे चलते हैं? पहला चीज, मैं डेली चार्ट पे गया, अब आप देखो जीरो लाइन के ऊपर अगर मैकडी क्रॉस कर रहा है ना, जीरो लाइन पे मैकडी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो यहां पे मेरे को सिग्नल मिल गया। प्लस वोल्टिटी क्या बोलता है भैया, मैं तो नीचे जा रहा हूं कंटिन्यू, देखो यहां से कंटिन्यू वोल्टिटी नीचे की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब वोल्टिटी रहेगी। तो एक्चुअल में मेरे को एंट्री जो मिला वो मिला मेरे को इधर से ही 21,700। बीच बीच में क्या हुआ, मैकडी जीरो लाइन के ऊपर ही चल रहा है, फिर देखो एक बार भी नीचे से क्रॉस नहीं किया, ऊपर से क्रॉस किया। अब यहाँ पे ये रिवर्स क्रॉसओवर दिखा रहा है, इसके लिए राइटिंग का कॉल लियो। हमने 24,500 का राइटिंग देखा तो ये क्लियर हो गया था 24,500 के ऊपर जाना नहीं है। तो देखो कॉम्बिनेशंस काम करेंगे रोहित जी। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे चार्ट पे देखा वो काम हो गया, नहीं। अब एक दूसरा इसमें सिंपल इंडिकेटर दिखाता हूं मैं, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स, क्योंकि आज अपने साथ काफी जन ऐसे जुड़े हुए जिनको मतलब इतने डिटेलिंग में नहीं आता है। अब ये देखिए चौपिनेस के साथ मैंने वर्टेक्स ले लिया। अब वर्टेक्स में क्या हुआ, यहां पे आप देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर मेरे को कब दे दिया था, 7 जून को। अब इसका कॉम्बिनेशन देखो, चौपिनेस इंडेक्स वहां से नीचे आ रहा है, वर्टेक्स ग्रीन में आ गया है और ऊपर कैंडल भी खींच गया है, तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। सिमिलरली यहां से भी अगर मैं समझो कि वीकली पे आता हूं, अब देख लो वीकली मेरे को निफ्टी दिखाई ना था, अरे बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है, और अभी तो मूवमेंट बढ़ेगा, और क्योंकि एवरेजली हम देखते हैं कि इसके नीचे डिप जाता ही है, 28 तक का डेप्थ लेता ही लेता है ये, तो वोलेटिलिटी तो रहेगा। हाँ, यहाँ पे रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या है, पहले तेजी और स्ट्रांग थी, फिर थोड़ी कम हुई, अभी थोड़ी और कम हुई, तो मे बी पॉसिबल है कि निफ्टी एक अभी रुका रहे, लेकिन मोमेंटम जिस ढंग से वीकली पे दिखा रहा है ना, अगले 2 महीने तक निफ्टी में मूवमेंट अच्छा रहेगा, 400-500 पॉइंट का मिनिमम आप कोई भी एक्सपायरी में मिनिमम दिखेगा। अब इसी चीज को डेली पे आ जाता हूं मैं। अब डेली पे आप खुद देख लो, जो फॉल आया उसके बाद ये क्रॉसओवर की तैयारी कर रही है। यहां पे हम देख रहे हैं कि ऊपर गया था, बट घूम फिर के ये रेंज में ही है, मार्केट बार में नीचे आ जाता है। अगर आप 15 मिनट्स में करते हो, लियो 15 मिनट्स में कर। सर जब हम लोग बात करते हैं ट्रेंड इंडिकेटर की, ठीक है कि मार्केट ट्रेंड कर रही है, जिस तरीके से आपने चौपिनेस को बताया है, हम लोग ADX को भी यूज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंट कहां पे आ जाता है, कि मतलब दोनों में से बेटर कौन सा रहता है? देखिए ADX जो बताता है, देखिए सबके पैरामीटर्स अलग अलग। अब ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ ये ADX का एक कॉम्बिनेशन है, वहां पे भी अपने पास है क्या? सेम वही, एक तरह का वही है। ये VI प्लस वोर्टेक्स प्लस वर्टेक्स, तो ये हम लोग DI प्लस DI माइनस करो। लेकिन आज आप समझो जितना साफ सुथरा चार्ट देखोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आप। आज हम लोग एक साथ डाल देते, मैं कैपेबल हूँ ADX लगा के तीनों चीज देख के काम कर लू, मैं DI प्लस DI माइनस और ADX, लेकिन यहाँ पे बाकी लोग नहीं, तो इसके लिए मैंने अलग अलग दे दिया। अब अलग हमें एक सपोर्टिंग इंडिकेटर चाहिए इसके अंदर। देखो कभी भी मैं ट्रेड करने के लिए सलाह ये दूंगा, सबसे पहले सबसे बड़ी गलती होती है हम मोमेंटम नहीं देखते। कभी भी आपको मोमेंटम पहले देखना है कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है, फिर आप डायरेक्शन लो। अब मैं बोलता हूं इसको चलो अपन यहां पे छोड़ते हैं, इसकी जगह पे मैं लगाता हूं इचिमिको क्लाउड्स। ये इनऑल अपने आप में एक पूरा सेटअप है। अब ये अगर सेटअप देखे बहुत जन को तो ये देखकर ही समझ में नहीं आता कि क्या लगा रखा है। तो यहां पे मैं सिंपल कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन, ये एक तरह के मूविंग एवरेज क्रॉसओवर दिखाता है, ठीक है। लैगिंग स्पैन कहां पे है, सबसे पीछे होता है, ये भी हमको लॉन्ग टर्म का बेस देता है। लीडिंग स्पैन में हटा देता हूं क्योंकि मेरा क्लाउड बना हुआ दिख रहा है तो काफी कंफ्यूजन कम हो जाएगा। अब ये क्लाउड है, ये क्लाउड मेरे को पहले ही बता देता है कि आगे का ट्रेंड क्या है। बहुत मतलब इतना टेक्निकली फ्रेंकली मैं बोलता हूँ, अभी इसके अंदर आप देखो
यहाँ पे कन्वर्शन लाइन ने क्रॉस किया, मेरे को पहले ही बता दिया था तेजी चल रही है, ये मेरे को आगे बता रहा है कि देखिए मार्केट में तेजी तो है, ब्लड फ्लैटिंग ऑफ क्लाउड, ये क्लाउड जो फ्लैट हो गया है ना, ये चेंज इन डायरेक्शन का मेरे को सिग्नल देता है। तो इसका मतलब जो ऊपर में हमने 24,500 की राइटिंग, ये तो चलो सिल्वर का बता दिया मैंने, ये आपका निफ्टी ले लेता हूं मैं इस पे, ये देखिए अब ये निफ्टी का आज का ही लेट से अवर्ली चार्ट है। अवर्ली चार्ट में क्या हुआ, कुछ भी नहीं है सर, ये जो आज का फॉल्स ब्रेकअप सपोर्ट ले लिया, अगर 15 मिनट में देखेंगे तो आपको और दिखेगा। अब देखिए 15 मिनट में मार्केट टूटा, क्लाउड रेड हो गया था, लेकिन जब ये क्लाउड फ्लैट हो जाता है ना तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का साइन बनता है। तो जैसे ही मार्केट ने ये नीचे मारा और फ्लैट हो गया क्लाउड, तो ये देखिए धीरे 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 बढ़कर कल के अंदर पॉजिटिव खुलेगा। अब यही चीज को अगर मैं डेली पे जाता हूं तो डेली पे क्या दिखा रहा है, ये एक्सपांशन ऑफ क्लाउड है, क्लाउड देखो कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो मैं मंदी करूंगा ही नहीं। कन्वर्जन लाइन यहां पे से मेरे को क्रॉसओवर दिया, कहां पे दिया मेरे को 23,400 पे दिया, कंटिन्यू वन साइड। ये मेरा लेगिंग स्पैन है, ये भी प्राइस के ऊपर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो ओवर एंड अबव मैं अगेन देखो ये चौपी का देख लीजिए आप वापस, वीकली पे चौपी तो बोलता मैं तो ऊपर जा रहा हूं, तो मेरे को ट्रेंड दिख गया। मार्च 2023 से निफ्टी जब से इचिमिको क्लाउड के ऊपर आया है और यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिला है मई से, कंटिन्यू वन साइड तेजी चल रही है। तो इतनी बड़ी रैली भी आप टेक्निकल से पॉसिबल है। बहुत जन क्या सोचते हैं जैसे टेक्निकल 5 मिनट 15 मिनट अवर्ली पे चलता है, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले सकते। बट आज जैसे अभी हम लोग ने, मैं कमोडिटी चलो ज्यादा देखता हूं, अब कमोडिटी में गोल्ड है, सब गोल्ड में अचानक से इतनी बड़ी मूवमेंट कैसे आ गई, ये इसका मंथली चार्ट है। अब एक्चुअली आप देखोगे, मैं एक बात पूछता हूं आपसे, मान लो जिस टाइम पे चौपिनेस इंडिकेटर जो है वो अपर वाले बैंड को टच कर जाता है, जैसे अभी 70 के ऊपर टच कर रहा है, गोल्ड को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, गोल्ड को छोड़ देते हैं एक मिनट, लेट से देयर इज एक विप्रो का स्टॉक उठा लेते हैं, लेट से विप्रो का स्टॉक देखते हैं, विप्रो के ऊपर एक ट्रेंड आ चुका है अभी तक, ओके नहीं, पर अभी इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर अभी और ट्रेंड आना बाकी है अभी। नहीं 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 नहीं, नहीं क्यों सर, आप मैं वापस इसको एक बार डिलीट कर देता हूं बाकी सबको, ये देखिए ये विप्रो का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, पहला चीज समझो। अब वीकली चार्ट में मैं कैसे कैलकुलेशन ले रहा हूं, मेरा चौपिनेस इंडेक्स आज भी वॉलिटी दिखा रहा है, 38 पे है। मेरे को चौपिनेस इंडेक्स में रिस्क कब आने वाला है, जैसे ये 40-45 के ऊपर जाता है ना, मार्केट कंसोलिडेट करने लग जाता है। जैसे ये देखिए 50 के ऊपर आया, यहां पे देखिए मार्केट में कैंडलस्टिक थोड़ी छोटी हो गई, कंसोलिडेट करने लग गया, लेकिन अब ये डाउनसाइड ही दिखा रहा है वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे डाउनसाइड दिखा रहा है, इसका मतलब आप मान के चलो अगले 1.5-2 महीने तक मार्केट में मूवमेंट तो है, मतलब जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। ट्रेंड क्या है, हां मतलब ये बुलिश रहने वाला है ना, ये बुलिश रहने वाला है। डेली चार्ट पे आ जाए, यस अब डेली चार्ट पे देखो मोमेंटम तो कंटिन्यू है, अभी भी आरएसआई देखो बार बार में नीचे जाती है, रिकवर करता है, बट ओवरऑल अगर हम चार्ट पे देखें ना, मोमेंटम क्रिएट है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि जब चौपिनेस इंडेक्स ऊपर पहुंच जाता है टॉप के ऊपर, उस टाइम पे तो अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता हो वो तो आयरन फ्लाई भी उठा उठा के बेच सकता है। बिल्कुल, वो क्रिएटिविटी आपकी। अब जैसे हमको मालूम है आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो कभी भी सरस हो जाता है। अब आप यहां पे देखिए आईटीसी 20 जनवरी 2024 को भाव था 472, ठीक है, इचिमिको क्लाउड ने पहले ही यहाँ पे देखो क्लाउड श्रिंकिंग दिखाया था और ये रेड में चालू होने लग गया था। तो मुझे कंफर्मेशन मिला कब, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे 460 के नीचे गया, वॉलिटी दिखा रहा जाएगा ये नीचे, मैं कंटिन्यू वॉलिटी के साथ ड्राइव करते गया, ड्राइव करते गया, मेरे को ये 400 का भाव मिल गया। अब आप देखोगे यहाँ पे भी क्या हुआ, इंडिकेटर जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे कैंडल स्टिक क्या थी, छोटी 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 चल रही थी। अब आपको ये समझना है, इट इज वेरी क्लोजर टू 60, मतलब समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब आपको अगर ऐसा लगता है कि यार यहां से ये इंडिकेटर ऐसा दिखा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेवल अगर ब्रीच हुआ तो मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, क्यों वोलेटिलिटी भी आ जाएगी और यहां पे राउंड जो फेवरेबल
जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के पॉइंट्स होते हैं 68.1 या फिर 38.2 जो आपने स्टार्टिंग में बताए थे, आप ये कह रहे हो कि वो जो पॉइंट्स होते हैं वो टर्निंग पॉइंट्स रहते हैं एक तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत बार हो जाएगा उसके ऊपर भी चले जाएंगे, लेकिन मैं बोलता हूँ, मैं हम लोग कभी भी देखो चार्ट का थंब रूल क्या बोलता है, जैसे मैं करता हूँ, मैं कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए निकालना है ना, सबसे पहले मैं वीकली चार्ट देखता हूँ। अब वीकली चार्ट में देखिए कितना बढ़िया सेटअप है, प्राइसेस इचिमिको क्लाउड में है, ये रेड में देखो ऊपर टॉप बन चुका है, इसका मतलब यहाँ से रिवर्सल दिखेगा। सेकेंडली आप खुद समझ रहे हो यहाँ पे ये स्क्वीज आ चुका है, अगर बॉलिंजर बैंड लगाओगे तो स्क्वीज दिख जाएगा, और मोटा मोटी अगर आप देखोगे स्क्वीज भी ब्रेक कर दिया इसने, मतलब 440 के ऊपर है, ब्रेक किया हुआ है। मैं बोलता हूँ थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर 460 के ऊपर निकला ना ये बड़ा जम दिखा सकता है, ये सेटअप में ढूंढता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए चौपीनेस इंडेक्स पहले भी ऐसे ही काम किया था, जब यहाँ पे देखिए मार्केट एक रेंज में था, लेकिन जैसे ये नीचे आया इमीडिएटली ये रेंज ब्रेक किया, 438 वाला आइटम ऊपर में 470 से 480 चले जाता है। अब ये सेटअप वीकली पे मेरे को मिल गया तो एक चीज तो समझो, अगले 2 महीने तक आईटीसी बेचना नहीं, बेचना मतलब कोई भी पोजीशन, क्योंकि ये अब नीचे आ चुका है, ऊपर का ब्रेकआउट दे चुका, कंफर्मेशन चाहिए, मैं डेली पे आ जाऊंगा। अब डेली पे देखता हूं तो एक बार तो मेरे को ब्रेकआउट मिल गया 430 का, मेरे को ऑलमोस्ट 450-455 मिला। अब ये क्या बताया सब, मैं तो नीचे आ चुका हूं, अब ये थोड़ा टाइम यहाँ पे, इसकी आदत ही ऐसी कि कभी भी ऐसा बड़ा जंप करेगा फिर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन इचिमिको क्लाउड जस्ट हैज स्टार्टेड एक्सपांडिंग, तो ऑन एवरी ड्रॉप इट वुड बी प्रिफर टू टेक अ लॉन्ग पोजीशन। अब डेली चार्ट के बाद हम लोग आवर्ली पे आते हैं, आवर्ली पे देखिए यहाँ पे मार्केट जैसे ये ऊपर जा रहा था इट वॉज ट्रेडिंग इन अ वेरी नैरो रेंज, बट हाँ मेरा अंडरलाइन पॉजिटिव है क्योंकि इचिमिको क्लाउड ग्रीन में चलता है। तो what I have done, I have just waited, जैसे ये 60 पे टच हुआ तो something is going to happen, trend positive है, I will start buying। चलो मैं option का अच्छा player हूँ तो मैं क्या करूंगा, 430 का 2 call ले लूंगा, 420 का या 425 का 1 call भेज दूंगा, जब तक market range में मेरा एक fixed loss पकड़ के चल रहा हूं मैं, लेकिन जैसे ही ये 425 या 430 के ऊपर breakout दिया, all yours। अब यहाँ पे क्या होगा, for example यहाँ पे अरे सर ये तो मंदी के साइन आ गए, बेचो बेचो, नहीं सर यहाँ पे सब बड़ी गलती करते हैं। चौपीनेस इंडेक्स क्या बोल रहा है कि सर ये बड़ी रैली आई है वो अब रिट्रेस करने की तैयारी में है, रिवर्सल नहीं हुआ। पैटर्न कैसे चलता है हमारा, कोई भी अगर हम लोग बात करें पैटर्न्स की रैली की, तो वो रैली कैसे करेगा, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे आके रिट्रेस करेगा फिर रैली करेगा। तो अब जब भी ये रिट्रेस कर रहा है ना, आप कभी भी देखो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा, तो मतलब ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। अब जैसे इसको रूम मिलेगा, लेट से रूम मिला इसको 450 के ऊपर और ये नीचे आ गया, ये देखना नया हाई, क्योंकि हायर हाई पैटर्न बनना चालू हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। और जो हाई बीटा वाले स्टॉक है उसको तो ये बहुत अच्छे से पकड़ता है, मतलब अभी ये आ गया तभी आप इसके लिए कमोडिटी ज्यादा यूज करते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप देखो बहुत पहले इक्विटी में क्या होता है सर कि आपको पहले ऐसे स्टॉक थोड़े से आपका यूनिवर्स तो बनाना पड़ेगा ना, कमोडिटी में हमको ये तकलीफ नहीं होती है, बने बनाए यूनिवर्स है हमारे पास, हैवी आइटम 15-20 है। अब यहाँ पे आप देखो ये इंडिकेटर इधर ही रेंज बाउंड कर रहा था और ऊपर चले गया, तो यहाँ पे देखिए 800 पे आजू बाजू में मूव कर रहा। अभी मैंने आज का एक पिक बताता हूँ, मैंने MCX पिक किया, क्या दिखाया इसमें, चलो RSI पे पिक किया मैंने, RSI पे क्या पिक किया कि डाइवर्जन दिखा रहा, आप उठा के देख लो, यहां से मैं लगा ही देता हूं, ये देख लो ये हाई मारा था दिसंबर में समझो, यहां से जनवरी से आप देखो हायर हाई बना रहा है और RSI लोअर डाइवर्जन था, बट यहां पे ये मेरा इंडिकेटर 54 पे जाके, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, पास हिस्ट्री देखूंगा कि कैसे ऊपर मेरे को कोई मिल गया तो बहुत ही मेरा लकी ड्रॉ ही है ये, लेकिन यहाँ पे मैं देखा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो ये मेरे को सिग्नल था, अरे RSI कंटिन्यू नीचे जा रही है, चौपी बोल रहा है कि भैया जो भी ये तेजी का ट्रेंड है वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो लूज कर रहा है तेजी का, क्योंकि ये अब नीचे से ऊपर जाने लग गया, और यहाँ पे मैंने एक तरह का देखा राउंडिंग टॉप होता है बट राउंडिंग साइड देख लिया,
अब ये ट्रेंड लाइन है, और आज ही मार्केट अगर आप देखोगे 4% टूट गया, ठीक है, आज निफ्टी टूटा और बाकी भी न्यूज चल रही थी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर उसका, लेकिन मेरे को सिग्नल मिल गया। अब मेरा व्यू है कि जब तक ये 4100 या 4000 के ऊपर नहीं जाता है, ये आराम जो जाने में 31 भी दिखा देता है। क्यों? इचिमिको क्लाउड भी मेरा यहाँ पे फ्लैट हो गया, यहाँ पे फ्लैट हो गया, मतलब जो ग्रोथ थी वो खत्म। अब यहाँ पे आप देखो क्लाउड क्या था, कंटिन्यू एक्सपांशन में था, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब यहाँ से ये सिग्नल देने लग गया, अब मैं टॉप कर गया हूँ। तो देखिये कभी भी कोई भी चीज चलेगा ना, वो कॉम्बिनेशन पे चलेगा, वन साइडेड नहीं होता। तो सबसे पहले आपके सेटअप में ट्रेंड फाइंडर होना चाहिए, ट्रेंड फाइंडर नहीं रहेगा ना तो दैट विल मेक प्रॉब्लम। अब रेलवे स्टॉक है, बायर सिटी सी है, क्या हुआ इसमें? मार्केट में बड़ा फॉल आया, यहां पे हमने कंसोलिडेशन के बाद ऊपर नीचे हुआ, फॉल आ गया, एब्जॉर्ब कर गया पूरा। अब ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, नीचे मतलब वॉलेटिलिटी रहेगी। आप देखिए 4-5 दिन से रेलवे स्टॉक पे बजट को लेकर 1000 रुपया नीचे, 50 रुपए का मूवमेंट ऊपर नीचे होने लग गया, बहुत होता है ये स्टॉक के साथ कि नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो बहुत बार ऊपर रहता है ये, लेकिन जैसे कुछ आएगा तो आप समझ जाओ कुछ बड़ी न्यूज आने वाली। टीसीएस, अब टीसीएस में भी अगर आप देखो, टीसीएस में भी अगर आप देखोगे तो आपको मोमेंट कैप्चर करने के लिए ये बेहतरीन है। अब यहां पे देखिए ये ऊपर आ गया, मार्केट रेंज बाउंड था, ड्रॉप मारा, मोमेंटम स्टार्ट हुआ, अभी क्या हो रहा है, नीचे आना चालू हुआ है। और ये चीज अगर मैं कमोडिटी में देखता हूं, क्रूड ऑयल सब लोग काम करते हैं, बहुत वॉलेटिलिटी आती है, कर लीजिए इसमें, ये देखिए। अब डेली चार्ट है, डेली चार्ट पे आप यहां पे देखिए इंडिकेटर ये ऊपर जाने लग गया था, आप देखिए जो लड़ाई हो गई सब हो गई, उसके बावजूद मार्केट एक रेंज में अटक गया था, जैसे ही थोड़ा रूम मिला जंप कर गया, लेकिन अब वो वापस साइडवे टू ऊपर जा रहा है। कोई भी देखिए मूवमेंट में, यहाँ पे आप देखिए मार्केट ऊपर था, एक रेंज में चल रहा था, जैसे ये नीचे आना चालू हुआ मार्केट में ब्रेकआउट आ गया। कॉपर, अब यहां पे आप देखिए मार्केट जैसे ही ये ऊपर की तरफ गया, अब देखिए मार्केट यहां पे कंसोलिडेट कर, पहले गिरा फिर बड़ा कंसोलिडेट हो गया। अब टॉप करने के बाद जब से ये टॉप किया है तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, बीच बीच में ऊपर नीचे वेव करके जाएगा, मतलब एटलीस्ट रिवर्सल का साइन मिल जाएगा आपको। अब जब भी प्राइस, चलो मैं इचिमी को देखता हूं, तो प्राइस क्लाउड में है तो मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। तो कह रहे मतलब है आप इसको, हाँ थोड़ा सा इनिशियली आपको समझ, अभी जैसे जिंक था, जिंक आप देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, जैसे ही नीचे आना चालू हुआ मार्केट में न्यूज आया कि सप्लाई का कुछ कंसर्न है, 260 का वाला आइटम 280 मार देता है, फिर वापस आ जाता है। और ये खास करके हम लोग जब वीकली या मंथली पे देखते हैं तो हम बड़ी ट्रेंड साइकिल पिक कर पाते हैं इसमें। अब यहाँ पे है, अब ये देखिए नीचे दिखा रहा है, मतलब कुछ बड़ा मूवमेंट आएगा। यहाँ पे हमने देखा कि ये जनरली ये रेंज में चल रहा है मंथली पे, वीकली पे ये देखिए यहां से ये टूटना चालू हुआ, मर गया। अब ये क्या होएगा, जो तेजी का व्यू था ना वो खत्म होने लग गया, क्यों? यहां से रिवर्सल आना चालू हो गया। ओके, डेली पे आया मूवमेंट, 2 दिन के अंदर देखिए अभी ये ऊपर में 77 का हाई मारा, 7 रुपए का मूवमेंट जिंग में मायने रखता है, 2 दिन के अंदर आ गया। अब ये अगर यहां पे कंटिन्यू स्टे करता है मोमेंटम रहेगा कंटिन्यू, बट हाँ मतलब जो आप आपका यूनिवर्स कोई भी एक इंडिकेटर साथ में यूज कर सकते हो इसके अंदर। हाँ, मैं वो इसलिए मैंने आज खाली ये इसीलिए लिया था कि आप अपने इंडिकेटर जो भी यूज करते हो ना वो आप साथ में यूज करो, तो उससे क्या होगा आपका जो, मैं आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कोई चेंज करना नहीं चाहता, मैं खाली उसमें अभी जैसे ये आ गया अपना अशोक लीलैंड, अब अशोक लीलैंड ये जब ये ऊपर जाने लग गया तो मेरे को तुरंत समझ में आ गया अपसाइड कैप हो रहा है, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहां से मुझे ये नीचे आना चालू हुआ,
literally whatever we have taken a long position, हमने निकालना चालू कर दिया. अब नीचे में मेरे को तो सर करीबन 40 से मोटा मोटी 20 रुपए तो मिल गया. अभी भी मेरा अगर कोई इंडिकेटर अगर मैं यूज कर रहा हूँ वो मुझे बोलता है मंजर मैं कंटिन्यू रहूंगा, मेरे को मालूम है वॉलिडिटी के साथ अभी रिवर्सल दिखा रहे. तो ये अगर इसको समअप करें हम लोग तो ये आपको डायरेक्शन नहीं बताता, ये आपको खाली बताता है वॉलिडिटी कब आ रही है. हाँ स्टॉक के अंदर क्या होता है कुछ और चीजें भी होती है तो हमको वो भी नजर रखना चाहिए. तो मैं बोलता हूँ जो आपका सेटअप है वही सेटअप रखिए, उस सेटअप में ये खाली ऐड कीजिए. आज अगर मेरे को लगता है मेरा सेटअप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दूसरा एक सेटअप लेता हूँ, मेरे को लगता है वॉर्टेक्स है. वॉर्टेक्स आप देखोगे तो ये मेरे को सिग्नल ग्रीन का कब दे दिया था, 2 जुलाई को ही दे दिया था जब इसका भाव था करीबन 239. मैं देखता हूँ मेरा वॉलिडिटी के साथ है, रेड ऊपर है, बेचना चाहिए, मैं बेच के चलूंगा. लेकिन अगर इसको अगर आप हटा देते हो, क्वेश्चन बता दो, तो अगर आप यहाँ पे आप देखोगे तो खाली अगर मेरे को ये पता चलता है अरे मंदी है मैंने पोजीशन बना ली तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर मैं जो भी पोजीशन बना भी लूंगा ना कोई रिजल्ट ही नहीं है क्योंकि वॉलिडिटी नहीं है मेरे साथ, यहाँ पे टूटा मार्केट रुक गया. लेकिन जब ये वॉलिडिटी के साथ रहता है तो मुझे पता है यहाँ तो अभी यहाँ पे भी आपका सपोज बाय का सिग्नल बना लेकिन क्या हुआ 5 रुपया बढ़कर मार्केट रेंज में आ गया, क्यों, ये वॉलिडिटी जो थी वो एब्जॉर्ब कर गया आपकी तेजी को. सर नहीं ये एक अच्छी एडिशन है सर, ये दिस इज अ गुड एडिशन, बहुत बढ़िया चीज है. कोई भी आप कोई भी टाइम फ्रेम में कर लो. आई वुड प्रिफर मैं जो ट्रेड सेटअप लेता हूँ, चलो वीकली भी ले लो, अभी ये वीकली पे है, मैं बोलता हूँ ये 200% आज आपका डेट टाइम लिख लीजिए, यहां से ये रिवर्सल है अशोक लेलैंड के लिए. वैसे भी अगर आप देखोगे ये राउंडिंग बॉटम बना था, ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेस करने आएगा. क्लाउड का भी अगर डिस्टेंस देखें हम लोग तो बहुत ज्यादा है, रिट्रेस करने आएगा. तो ये क्या करता है ज्यादा करके यहाँ पे आप देखिए, अब ये इतनी बड़ी रैली की, अब ये इंडिकेटर ऊपर आना चालू हो गया तो क्या हो गया, रिट्रेसमेंट दिखाने लग गया मेरे को. अब वापस इसने जैसे किया किया अब ये रिट्रेसमेंट में मुझे लगता है बेल मिनिमम आप 200-210 के बीच में या 200-205 के बीच में इसको कंसोलिडेट होते हुए देखोगे. देखो सर इट्स अ गुड थिंग आई थिंक सो, इसका बेनिफिट काफी मिलेगा क्योंकि चॉपिनेस इंडिकेटर को मैंने आज तक यूज नहीं किया था. सो आई थिंक इसको यूज करके देखूंगा फिर इसके नुएंसेस पता चलेंगे, बिकॉज हर इंडिकेटर के एक ना लाइव मार्केट के अंदर अलग तरीके के नुएंसेस भी होते हैं, तो आई थिंक वो तो समझने पड़ेंगे इसके. नहीं वो तो देखो कोई भी चीज है वो अपन जितना ज्यादा काम करेंगे ना उतना, आज मैं बोलता हूँ आप चॉपिनेस इंडेक्स का बुक पढ़ लो कुछ भी करो, वो एक ही चीज बोलेगा ऊपर आए, ये ऊपर आ रहा है आप पोजिशन मत बनाओ. मैंने चेंज किया, मैं क्या देखता हूँ मेरे इंडिकेटर में स्कैनर में, मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसमें चॉपिनेस इंडेक्स 60 के ऊपर है. क्यों, अगर ये 60 के ऊपर है इसका मतलब ये टिकने वाला तो है नहीं यहाँ पे, आज नहीं तो कल इसमें बड़ा मूवमेंट आने वाला है. तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैंने शूट किया और आज के आज मेरे को खाना है. मैं कैसा हूं, मैंने पोजिशन बना ली. अब यहाँ पे अशोक लीलैंड जैसे ही ये ऊपर आ गया, फंडामेंटल मुझे पता है, इचिमी को क्लाउड के ऊपर अच्छा है, राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, तो मैंने मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा अरे सर इसको लेके बैठो, हफ्ता 10 दिन के अंदर बड़ा मूवमेंट आएगा, पेशेंस रखो. पर अब अचानक से क्या हुआ, कोई न्यूज आई, अब मारुति का एग्जांपल भी ऐसा ही है सर, मारुति है, रिलायंस है. तो मैंने क्या देखा मारुति के अंदर, ये देखो ये तो अभी स्टार्ट ही हुआ, एक ही दिन का एक ही न्यूज आई जो 12,000 से सीधा मेरे को 13, सर ये तो रैली स्टार्ट हुई है, अभी तो वीकली है, डेली पे मैंने देखा, डेली पे भी ये मार्केट कभी भी मेरे को दे सकते हैं, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन आ रहा है. और आप चाहे तो बॉलिंजर बैंड भी लगा लोगे ना इस पे, अब बॉलिंजर बैंड लगा लो. अब बॉलिंजर बैंड और ये दोनों एक जैसा ही काम करता है, लेकिन ये आपको एडवांस, बॉलिंजर बैंड क्या करेगा आपको बता, ये नहीं पता चलेगा ब्रेकआउट आने वाला है कि नहीं, हमको ये नहीं पता चलता कि स्क्वीज, ये इतना बड़ा स्क्वीज है, इतना बड़ा स्क्वीज है या कितना बड़ा स्क्वीज है, ये आप बॉलिंजर बैंड में कंफर्म अटक कहां पे जाओगे सर, ऊपर कितना जाएगा, ये खाली इसके लिए यूज कर रहे हैं करने वाले.
मैं बोलता हूँ इसके अंदर आप क्लियर कट है, देखिए ये ऊपर जाके अटका, मार्केट दायरे में आया, जैसे ये सेटअप अच्छा लगा कट करके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे ब्रॉडली अगर हम देखें तो मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, अब यहाँ से ये नीचे आना चालू हो गया अकॉर्डिंग पोजिशन में। ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ ना, मेरी तो क्वेरीज नहीं है इसके ऊपर, जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो उसके अंदर फिर मैं आपके यूट्यूब चैनल को उसके ऊपर टैग करूंगा, तो अगर कुछ यूजर्स की क्वेरी आई इसके ऊपर तो फिर वो आप देखना। आई होप देयर विल बी मेनी क्वेरीज अबाउट दिस, बिकॉज सबके लिए ये एक चॉपिनेस इंडिकेटर जो है नया है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने नाम सुना हुआ था, बट आई थिंक इट्स गुड कि मैंने इसको थोड़ा सा लर्न करके देखा अभी यहाँ पे। नहीं आप करके देखिए, बहुत अच्छा इंडिकेटर है ये और रियली काम करेगा। एंड सर थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग दिस सेशन विद मी, आई होप हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगा, एंड आई विल शेयर द फीडबैक विद यू टू, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।